दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। खबर रीवा से है जहां सैकड़ों छात्र रात में अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए और बंगले का घेराव किया। इस दौरान छात्रों ने पत्रकारों से बताया कि सभी छात्रवासी छात्र शासकीय नवीन महाविद्यालय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास झिरिया रीवा के हैं। चूंकि शासन के नियम के अनुसार इन्हें साल में 10 माह तक भोजन मिलता है, लेकिन इनके छात्रावास में 6 से 8 महीने ही भोजन दिया जाता है। उन्होंने बताया कि हमारे छात्रावासों में प्रवेश लिस्ट नवंबर में निकाली गई थी, तो उसके अनुसार आज तक के समय में मात्र 5 महीने ही भोजन मिला है, जबकि शासन के नियम के अनुसार 10 महीने भोजन मिलता है, तो हमें 5 महीने का भोजन क्यों दिया जा रहा है। वही छात्रों ने अनुरोध किया कि हमें कम से कम 10 महीने का तो भोजन दिलवाया ही जाए। छात्रावास के सभी छात्र महाविद्यालय के छात्र हैं, जिनकी वार्षिक सेमेस्टर परीक्षा मई और जून में होती हैं, और ऐसे हालात में छात्र पढ़ें या फिर अपने लिए भोजन बनाएं, जिसकी वजह से छात्रों का भविष्य अंधकार में होता दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ ही छात्रों ने निवेदन किया कि भोजन मई जून में भी चालू करवाया जाए, जिससे छात्रों को उनके शिक्षण कार्य में बाधा न आए। सर, हम लोग माननीय कलेक्टर जी से मांग करने आए हैं। इसके पहले हम लोग ने कलेक्ट्रेट ऑफिस में सूचित कर दिया था, इसके बाद हम लोग को ये कदम उठाना पड़ा बहुत सोच समझ करके, कि हमारे हॉस्टल में एक तो बिना सूचित करे खाना बंद कर दिया गया है। शासन के नियमानुसार 10 महीने देते हैं, लेकिन हमारे हॉस्टल में जितने भी हैं पोस्ट मैट्रिक, उनमें कभी लिस्ट नवंबर में तो कभी जनवरी के लगभग निकाली जाती है, लेकिन खास करके जुलाई से लिस्ट निकाल देनी चाहिए। जो भी नवीनीकरण छात्र थे जुलाई से खाना चालू हो जाता है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में ऐसे लिस्ट निकाली जाती है, और इधर अप्रैल के जैसे ही 30 अप्रैल हुआ, मतलब एक दिन भी खाना एक्स्ट्रा नहीं बनाते, तो सारे लड़के सुबह से मात्र दाल चावल खाए हैं। यहाँ तक अधीक्षक ने इसके अलावा सब्जी तक नहीं बनवाई कि रोटी बनवा दे, ओनली दाल चावल। बाकी सुबह से लड़के सारे भूखे हैं। अभी उसी के लिए मांग करने आए हैं कि हम लोग को मैस चालू किया जाए। हमको 10 महीने मैस चाहिए। अगर हमारा 10 महीने हैं तो कलेक्ट्रेट वहाँ से निकलता है, कलेक्टर ऑफिस से, आदिम जाति कल्याण विभाग से, तो हमें 5 महीने खाना क्यों दिया जाता है। इसके पहले हमने शिकायत कहाँ पर की? इसके पहले कलेक्ट्रेट ऑफिस में की थी, ट्राइबल विभाग में। वहाँ से बोला भी गया था बाई फोन, सर थे नहीं, डीओ सर थे नहीं, बाई फोन बोले थे कि चालू हो जाएगा मैस, आप टेंशन मत लीजिए, जितने दिन पेपर चलेंगे आपको चालू रहेगा। हॉस्टल के छात्र हैं सर? सभी क्रमांक नंबर 1, 2, 3 और ST हॉस्टल के भी हैं।